हेलो फ्रेंड्स, तो मैं गया था शॉप पे, तो देखिए मैं कुछ पतंगे लाया हूँ। और यार ये जितनी भी पतंगे मैं लाया था उनमें से मैंने कुछ निकाली आप लोगों को दिखाने के लिए। ये सारी मंझोली पतंगे हैं और मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ भाई, ये पतंगे बहुत ही अच्छी हैं। ये देखिए पहला पतंग जो कि नीले पे हरा पट्टेदार है, आप लोग खुद ही देख कर भाई समझ पा रहे होंगे। ये देखिए पूरा पतंग कि ये भाई गोल फर्मे पतंगे हैं, जितनी भी हैं सारी गोल फर्मे पे हैं। और मैं इनके प्राइस भी बताऊँगा, तो मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए भाई पट्टेदार पतंग, ये देखिए भाई कितनी अच्छी कमान लगी हुई है। और ठड्डा भी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये देखिए हल्का सा हिलाता हूँ, ये देखिए घुटाई भी की गई है। तो भाई आप देख पा रहे होंगे कि इस पतंग में कितना अच्छे से वर्क किया गया है। तो भाई दिखाता हूँ दूसरा पतंग है, ये देखिए ये भी पट्टेदार, ब्लैक पे ऑरेंज पट्टेदार, ये देखिए कमान और ठड्डा। तो भाई तीसरा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ब्लैक पे ग्रीन पट्टेदार, चौथा स्काई ब्लू और पांचवा ऑरेंज पे मत्थेदार। तो भाई मैंने ये जितनी भी पतंगें आपको दिखाई हैं भाई सारी की सारी गोल फर्मे में है। जो जानते हैं वो देख के समझ गए होंगे कि भाई गोल फर्मे में है। तो यार ये पतंगें मुझे 5 रुपये पड़ी और मंझोली पतंग 5 रुपये में पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कारीगर ने कुछ तो काम किया ही होगा। तो यार मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ठड्ढा कमान इसमें काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और गोल फर्मे पतंग है और घुटी हुए पेपर पे। तो यार ये पतंगें काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, इनको मैंने 600 मीटर से 700 मीटर पे लड़ाया हुआ है। और भाई जिससे भी आप लड़ाएंगे तो आपका अपोनेंट नहीं समझ पाएगा कि आपने छोटी पतंग उड़ाई है, ये बड़ी ही दिखने वाली है। तो भाई चलिए दिखाते हैं फिर। तो यार ये रही अपनी पतंग और ये राम मंझा जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो पतंग कराते हैं पार। हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों को पतंग खरीदने या करने बांधने में। तो यार मैंने काफ़ी पहले वो वीडियो बनाई थी, उन पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन आ रहा है, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आपको देखनी है तो आप देख सकते हो वीडियो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो यार हम करा लेते हैं अपनी पतंग को पार और फिर लड़ा कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पहला पेज आ चुका है और यार हम आगे से उड़ा रहे हैं इसलिए नीचे का पेज देख रहे हैं। तो यार पेज आ चुका है और मेरी पतंग नीचे से लड़ेगी और ब्लू सर्कल में आपको शो हुई होगी, आप लोगों को शायद दिख रही हो। अपोनेंट की पतंग रेड सर्कल में दिखेगी। तो यार हम उनसे लड़ा रहे हैं, अभी क्लब काइट फाइटर है। तो यार आप लोगों को पता होगा क्लब काइट फाइटर इतनी आसानी से पेज नहीं लड़ाते हैं, वो यार अपोनेंट की पूरे हरकतों को देखते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके बाद ही पतंग लड़ाते हैं। तो देखते रहिए क्या होता है आगे। ये देखिए अभी हम मौका ढूंढ ही रहे हैं, हमें मौका मिला, हमने हल्की सी पतंग भर ली है, लेकिन यार मेरा अपोनेंट जो है वो पतंग अपने ऊपर उठा ले गया। फिर से देखिए उसने भरनी शुरू की, वो भी भर रहा है, मैं भी भर रहा हूँ उसके हाथ की तरफ।
जैसे हमने नीचे गिरा हमने अपनी पतंग बचाई हल्की सी, टंकी पीछे चली है हमारी पतंग, फिर से हमने उठा करके इसको पतंग दी है और हमने उठा के दी। जहाँ थोड़ा सा और भरा तो ये देखिए उसने अंदर का दिखाया मेरे हाथ की तरफ, यहाँ मिल गया मौका मुझे, मैंने हल्का नीचे किया और बस बाहर को खींच लिया भाई अपन ने पतंग, हमने इधर काट दी थी। हालांकि पतंग कैमरे में नहीं दिखाई थी कटते हुए क्योंकि ये ग्रीन वाला। तो भाई शायद आप लोगों को पेज दिखाओ पट यार, मैंने उसकी पतंग काट दी है भाई, और यार उसकी पतंग काफ़ी नीचे चली गई तो मुझे मुड्ढा ही नहीं दिखा, तो मैंने कुछ नहीं भाई बस बाहर को पतंग उठा ली अपनी आराम से और भाई मैंने पतंग काट दी है। तो भाई दिखाते हैं नेक्स्ट पेज। तो यार ये देखिए मेरी बंधी हुई है पतंग और ये एक पीछे से उड़ रही और हमारी ये उड़ रही, थोड़ा जूम कर देते हैं और इधर देखिए पेज चलाते हुए। तो भाई ये पेज दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए एक पेच आ चुका है, अभी रेड सर्कल में ऊपर वाली पतंग शो होगी और नीचे वाला जो पतंग है वो ब्लू में, क्या वो नीचे, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए पेच हुआ, नीचे वाले ने पतंग बिठाई और हल्का झटका दिया, पेच यार यहाँ नहीं पड़ा, निकल चुका है। फिर से देखिए ऊपर वाला पतंग अपनी लाएगा तो दिखाते हैं क्या होता है। ये यार वही है जो ऊपर से लड़ा रहा है, जिसकी अभी हमने एक पतंग काटी थी, तो यार ये दूसरे से लड़ाने चला गया है। तो यार अभी ये पटक नहीं रहा पतंग, तो यार इसने पतंग पटकी और ये देखिए लाया, नीचे वाले ने ढील छोड़ी और यहाँ देखिए इसने नीचे वाले ने खींच ली बाहर की तरफ, भाई बड़े आसानी से पतंग काट दी ऊपर वाले की। तो यार मैं यही कह रहा था, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यार ये फिर से नेक्स्ट पेज आ चुका है, तो यार मैं रिंग बना देता हूँ और कौन सी पतंग किधर से बता देता हूँ। तो भाई ये रेड सर्कल वाली पतंग नीचे से है और ब्लू सर्कल में जो दिखेगी वो ऊपर से है। तो भाई देखते रहिए पेच होगा तो देखते हैं। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग काइट वीडियोज़ के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने पतंग उड़ाने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यार आप लोगों का सपोर्ट यार हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो थैंक यू फॉर दिस, सब्सक्राइब ज़रूर करें यार वीडियो को। तो ये देखिए यहाँ पर भाई दोनों ने भरना शुरू कर दिया, ऊपर वाला भाई भरते हुए कहाँ तक ले गया, नीचे वाले ने पतंग पटकी फिर हल्का हल्का उठाया और भाई भरता ही चला जा रहा है यार, ऊपर वाला तो उसके घर के ऊपर पतंग ले गया पूरी। और ये देखिए बाहर ये पतंग उठाता हुआ नीचे वाला, फिर नीचे वाले ने बचाई पतंग घर पे ही लगा दी, फिर देखिए नीचे वाले ने पतंग उठाई धीरे से फिर खींचने की कोशिश की, उसने देखिए बाहर मारा और यार ये देखिए ये नीचे वाला इसके हाथ की तरफ करता हुआ भाई काट दी पतंग। तो यार हम यहाँ कर देंगे वीडियो एंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।